वेलकम दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है व्यू और काउंटर व्यू। ओके, अगर आप लोग 11th और 12th इन दो क्लासेस के हिसाब से इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि क्या है व्यू और क्या है काउंटर व्यू। ओके, व्यू यानी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी आइडिया के बारे में आपकी राय, आपकी ओपिनियन। ओके, और काउंटर व्यू ये दो वर्ड से मिलके बना है, काउंटर और व्यू। काउंटर का मतलब होता है, मीनिंग होता है ऑपोजिट। आप लोगों ने एग्ज़ाम में काउंटर व्यू लिखना होता है, यानी एग्ज़ाम में आप लोगों को एक टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर कुछ सोच दी हुई रहेंगी और आपको एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट बोलना है। मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में एक वर्ड है ब्लैक, तो आपने लिखना है वाइट। ओके, एग्ज़ाम में लिखा है दिन, तो आपने लिखना है रात। वहाँ पर लिखा है गुड, तो आपने लिखना है बैड, इस तरह से। ओके, यानी वहाँ पर आप लोगों को व्यू दिया हुआ रहेगा किसी भी एक चीज़ पर, वहाँ पर कुछ थॉट्स दिए हुए रहेंगे। अगर वो थॉट्स पॉजिटिव हैं तो आप लोगों ने एग्ज़ाम में नेगेटिव थॉट्स लिखना है, और सपोज़ वो थॉट्स नेगेटिव हैं तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, पॉजिटिव थॉट्स लिखना है। सिर्फ यही है व्यू और काउंटर व्यू। ओके, चलिए मान लेते हैं कि एग्जामिनेशंस में आप लोगों का एक टॉपिक दिया हुआ है टेलीविज़न। ओके, और नीचे उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, व्यू सेक्शन के पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए, व्यू सेक्शन के पॉइंट्स वो होते हैं जो व्यू के अंडर में आते हैं, और आप लोगों को काउंटर व्यू के पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, तो एग्जामिनेशंस में आप लोगों को एक टॉपिक है टीवी, और उसके जो पॉइंट्स है वो ये है कि टीवी से हमें नॉलेज मिलती है, टीवी से काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पर हम लोगों को मतलब एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा करके रखा गया है, यहाँ पर हम लोगों को मूवीज़ या सॉन्ग्स देखने के लिए मिलते हैं। ये सुनकर, ये पढ़कर हमें लगता है कि ओके, व्यू सेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी एक चीज़ के बारे में। ओके, अब हमें पता है, हमारे माइंड में है कि काउंटर व्यू यानी उसका ऑपोजिट लिखना है, तो आप जो आपका काउंटर व्यू लिखेंगे वो तो टीवी पर ही लिखेंगे, बट आपको उसके डिफेक्ट्स बताने हैं, खराबियां बतानी हैं, उससे होने वाले जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो बताने हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी बहुत सारा स्टूडेंट्स का, आम लोगों का टाइम इसमें चला जाता है। आप लिख सकते हैं कि इस पर फुलिश प्रोग्राम्स रहते हैं। ओके, कुछ ऐसे एपिसोड्स रहते हैं जिनमें होता कुछ खास नहीं है, सिर्फ उसमें टाइम वेस्ट होता रहता है। ओके, कैरेक्टर्स एक दूसरे को देख रहे हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक हो रहा है और वो सारी चीज़ें जो आपको पता है। ओके, आप लिख सकते हैं कि इसके प्रोग्राम्स कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होते, मतलब सारी एज के जो लोग हैं, बच्चे और एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स, ये सब एक साथ बैठ के नहीं देख सकते। ओके, मुद्दे की बात ये है, शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ तो, कि अगर आपको व्यू सेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट्स है तो यहाँ पर आपने पूरे के पूरे नेगेटिव पॉइंट्स लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? अब आंसर लिखना कैसे है? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आंसर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर पैराग्राफ के हिसाब से आप लोग देखते हैं तो 3 पैराग्राफ्स में आप लोगों का पूरा आंसर आ जाना चाहिए, ओनली 3 पैराग्राफ्स। ओके, और अगर वर्ड्स के हिसाब से आप लोग देखते हैं तो 100 के आसपास आपके वर्ड्स होने चाहिए। कितने? 100 वर्ड्स के आसपास, थोड़ा सा उससे ऊपर लिखेंगे तो चलेगा, अच्छी बात है। अभी जो 3 पैराग्राफ्स आपके रहेंगे तो वो कैसे रहेंगे, जो पैराग्राफ नंबर 1 है, हम उसे कह लेते हैं इंट्रोडक्शन, यानी जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लोग काउंटर व्यू बना रहे हैं तो उसका थोड़ा सा 2-1 लाइन में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देना है। ओके, यानी असल मुद्दे तक 2-1 लाइन में आपने आना है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2, सबसे ज़रूरी पैराग्राफ ये होता है, यहाँ पर आप लोग बताते हैं आपकी अपनी थॉट्स, आप क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। सबसे बड़ा, सबसे डिटेल्ड वाला यही सेक्शन होता है जो सेकंड पैराग्राफ होता है, तो और पूरे पॉइंट्स यहीं पर आपके आते हैं। और सबसे जो आखिरी पैरा है आप लोगों का, पैराग्राफ नंबर 3, तो इसे आप लोग एंडिंग या कंक्लूजन कह सकते हैं, यानी स्टार्ट से आप जो बात कहते आए हैं उसको शॉर्टकट में बता देना है लास्ट में, कि ठीक है भैया ऐसा 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 ऐसा, और लास्ट में आई थिंक दैट, मुझे ये लगता है, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, मेरी ये राय है कि, या आप लोग लिख सकते हैं इन अ नटशेल, यानी अगर शॉर्टकट में कहें तो ये। तो आखिरी का जो आपका पैराग्राफ रहेगा, लास्ट पैराग्राफ, वो 2-1 लाइन के आसपास होना चाहिए, 1.5-2 लाइन के आसपास होना चाहिए। इस तरह से आप पूरा का पूरा काउंटर व्यू लिखेंगे। जब आप लोग काउंटर व्यू लिखें तो स्टार्ट करना है टाइटल से। टाइटल सबसे पहले देना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइटल देना भूल जाते हैं। एक मरतबा वो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं और टाइटल उनका बाकी तो बाकी रह जाता है, तो टाइटल पहले दें। और 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है, आप लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जिसे
व्हाट अ वंडरफुल थिंग, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, या हाउ नाइस दिस इन्वेंशन इज, कितनी बढ़िया इन्वेंशन है ये, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से आपके काउंटर व्यू में काफ़ी अच्छा इफेक्ट पैदा होगा। ओके, दूसरी एक चीज़ ये है, आप कहीं ना कहीं रिटोरिकल क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन जैसे कि डोंट यू थिंक सो, क्या आपको नहीं लगता ऐसा, इजंट दैट करेक्ट, क्या ये सही नहीं है, क्या वो सही नहीं है, इस तरह की चीज़ें आप लोग अपने काउंटर व्यू में रख सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप लोगों के सामने ये वाला क्वेश्चन है, कम ऑन लेट्स गेट गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन ठीक आप लोगों के सामने, राइट काउंटर व्यू ऑन सेल फोन्स आर अ ब्लेसिंग, इस टॉपिक पर आप लोगों ने काउंटर व्यू लिखना है। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द व्यू सेक्शन, और आप लोग इन सारे पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट्स व्यू सेक्शन के हैं। क्या है टॉपिक, सेल फोन्स, इस टॉपिक पर आप लोगों ने लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है ओनली इंस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी इससे सिर्फ बात होती है। कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, सेल फोन्स हमें सोसाइटी से कट करते हैं, दूर करते हैं। फूलिश टॉक, अक्सर लोग सेल फोन्स पर काफी फूलिश बातचीत करते रहते हैं। एंड द लास्ट वन, इंफॉर्मेशन इन रॉन्ग हैंड्स इजीली, अगर आपके पास सेल फोन है तब आपके पास का जो डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो गलत हाथों में जा सकती है। फिर एक बार कहता हूँ, ये जो पॉइंट्स है आप लोगों के सामने, ये व्यू सेक्शन के हैं, आप लोगों ने एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट लिखना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर की स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइटल देने से। हमें अच्छी तरह से पता है कि जब हम लोग काउंटर व्यू लिखते हैं तो एक बढ़िया सा टॉपिक, एक बढ़िया सा टाइटल देना जरूरी है। अब हम लोग लिख रहे हैं सेल फोन्स के बारे में, तो यही टाइटल दे देते हैं हम लोग, सेल फोन्स आर अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी रहमत है ऊपर वाले की, वरदान है हमारे लिए। अब टाइटल देने के बाद में हम लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। हमें पता है कि हमारा पूरा का पूरा आंसर तीन पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं हम लोग, हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जो होना चाहिए एक या दो लाइंस के आसपास। ओके, ये देखिए स्टार्ट में लिखा हमने, वन ऑफ द मेनी ब्लेसिंग्स, यानी कई ऊपर सारे जो है तो ऊपर वाले के वरदान है हमारे पास में, उनमें से एक क्या है, वन यानी एक, बाय द गॉड इज सेल फोन्स, उनमें से एक वरदान, एक तोहफा सेल फोन है। ठीक है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को आगे लिखते हैं हम लोग, हम लोगों ने लिखा ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए, फॉर एंशिएंट पीपल, पुराने जमाने के लोगों के लिए, इट वुड हैव बीन अ मैजिक लैम्प, ये चीज एक जादू का चिराग होती थी। अगर पुराने लोगों को मोबाइल मिल जाता, सेल फोन मिल जाता, तब वो समझते थे कि एक जादुई चिराग है। ओके, देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ है और ये इंट्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, इससे बड़ा इंट्रो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आते हैं सेकंड पैरा पर, सेकंड पैरा को कुछ लोग मिडल पार्ट भी कहते हैं, यहाँ पर हमें अपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, स्टार्ट में हम लोगों ने लिखा फ्रेंड्स, इट सर्व्स अस, यानी ये हमारी सेवा करता है, खिदमत करता है हमारी, सेल फोन सर्व करना यानी खिदमत करना, इन काउंटलेस वेज, बेशुमार बेहिसाब तरीकों से ये हमारी सेवा करता है। अबव ऑल इज टॉकिंग टू डिस्टेंट पीपल, और सबसे बढ़कर ये बात है कि ये फोन हमारी बात उन लोगों से करवाता है जो हमारे नजदीक नहीं है, डिस्टेंट यानी दूर, हमसे दूर है। ओके, आगे लिख सकते हैं हम लोग, सो इट्स लाइक द वर्ल्ड इज इन योर पॉकेट्स, मान लो ऐसा है कि पूरी दुनिया आपकी जेब में है, आपकी जेब में सेल फोन नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी जेब में पूरी की पूरी दुनिया है। एग्जाम में भी ऐसे ही बड़ा चढ़ाकर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, वेन एवर, अब देखिए वेन एवर में कंबाइन लिखा है हम लोगों ने इसे, ठीक है, सेपरेट वर्ड नहीं है ये, वेन एवर यानी जब कभी भी, एंड वेयर एवर और जहां कहीं भी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं वेयर एवर में एक ई आता है, सिंगल ई आता है, ऐसे नहीं है कि वेयर का एक ई लिखा हमने और एवर का एक और यहाँ पर मिलाया। यू वॉन्ट, जहां कहीं भी जब कभी भी आप लोग चाहें, यू कैन टॉक टू पीपल, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ओके,
व्यू सेक्शन में हम लोगों को सेलफोन्स की बुराइयां बताई गई थी, डिमेरिट्स बताए गए थे, और यहाँ पर हम लोगों को उसकी तारीफ करना है सेलफोन की। ओके, आगे लिखते हैं हम, यू कैन टॉक टू पीपल रिगार्डलेस ऑफ डिस्टेंस, बिना फासले की परवाह किए आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ये मिडल पार्ट ही कंटिन्यू चल रहा है हमारा, सेकंड पैरा है हमारा, यू कैन सेंड एंड रिसीव फोटोज ऑडियो एंड वीडियो, आप कई सारी चीजें भेज सकते हैं अपने मोबाइल से और रिसीव कर सकते हैं। आगे लिखा हम लोगों ने, यू कैन नो द वे टू वेरियस प्लेसेस, अगर आपको कहीं जाना है और वो जगह का आपको ठीक से एड्रेस पता नहीं है तब आप गूगल मैप वगैरह के जरिए वो एड्रेस ढूंढ सकते हैं। ओके, इट अलाउज यू टू कनेक्ट सोशली विद द वर्ल्ड, और सेलफोन आपको पूरी दुनिया से जुड़ने की परमिशन देता है, जुड़ने देता है। ओके, साइट्स, कई वेबसाइट हैं सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एटसेट्रा लेट यू डू दैट, ये वेबसाइट जो हैं अलग अलग लोगों से जुड़ने में आपकी मदद करती हैं। क्या है ये चीज़ें, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, आगे लिखा हम लोगों ने, यू कैन टॉक टू एक्सपर्ट्स, आप एक्सपर्ट लोगों से अपने सेलफोन के थ्रू बात कर सकते हैं, एंड क्लियर योर डाउट्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक्सपर्ट लोगों से बात करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इतनी देर में, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। देखिए हम लोग कहते हैं इन अ मिनट, इन अ सेकंड, इसके बजाय आप लोग ऐसे कह सकते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है पलक झपकते में। ए? आगे लिखा हमने, न्यूमेरस यानी कई सारे इश्यूज कुड बी सॉल्व्ड जस्ट बाय टॉकिंग ऑन फोन, सिर्फ फोन पे बात करके कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड व्हाटएवर इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर इन अ क्लिक, जो कुछ भी इन्फो आपको चाहिए, जो कुछ भी मालूमात आपको चाहिए, एक क्लिक में आप वो देख सकते हैं, वो मालूमात आपको मिल सकती है। देयर आर टेक्स्ट्स, इमेजेस, वीडियोस एंड एक्चुअली व्हाट नॉट, काफी सारी चीजें हैं इंटरनेट पर जिन्हें आप सेलफोन के जरिए सर्व कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि लिखी हुई चीजें हैं, टेक्स्ट्स, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं एंड व्हाट नॉट, व्हाट नॉट यानी कि और क्या नहीं है, हम लोग कहते हैं ना और क्या नहीं है उसके पास, तो ये कह सकते हैं हम लोग, देखो व्हाट नॉट यानी क्या नहीं है। वी कैन अपलोड आवर डिटेल्स एंड यूज इट व्हेन एवर वी वांट, कई सारी ऐसी साइट्स हैं जैसे ड्राइव है गूगल के ऊपर, वहाँ आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और बाद में जब भी जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं थर्ड पैरा पर, याद रखें ये हमारा लास्ट पैरा है और यहाँ पर हम लोगों ने एंड या कंक्लूजन लिखना है। ओके, एक से दो लाइन में लिख सकते हैं हम लोग। अभी तक क्या लिखा हम लोगों ने, हम लोगों ने सेलफोन्स की तारीफ की है कि ये हमारे लिए एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है, एक रहमत है, तो एक दो लाइन में वही लिखना है हम लोगों को कि हाँ भैया हमने जो कुछ कहा वो सब सही है। ओके, देखिए इस तरह लिख सकते हैं आप लोग, सर्व इन अ नटशेल, ये एक फ्रेज है, इन अ नटशेल यानी मुख्तसर में, शॉर्टकट में अगर कहें तो, थोड़े में कहें तो, सेलफोन्स आर अ ब्लेसिंग, सेलफोन्स क्या है, एक वरदान है, एक नेमत है। वी आर लकी टू हैव दिस अमेजिंग लैम्प इन आवर हैंड्स, हम खुशकिस्मत हैं, हम लकी हैं कि ये जादुई चिराग, यहाँ पे हमने सेलफोन्स को क्या कहा है, लैम्प कहा है, कि हम लोग लकी हैं कि ये लैम्प हमारे हाथ में है। ओके, अगर एक मिनट में रिविजन करने के लिए कहा जाए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है काउंटर व्यू लिखने में, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल देना है, एक बढ़िया सा अच्छा सा टाइटल, फर्स्ट पैरा हम लिखेंगे उसमें इंट्रो आएगा एक से दो लाइंस का, सेकंड पैरा जब हम लोग लिखेंगे तब मेन डिटेल्स लिखना है हम लोगों को, थर्ड पैरा जब हम लोग लिखें तो कंक्लूजन आएगा एक से दो लाइंस में। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए थे एग्जैक्टली इसका अपोजिट लिखा है हम लोगों ने, जैसे यहाँ लिखा था कि सिर्फ इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है सेलफोन्स के थ्रू, अब हमने बताया कि ऐसे नहीं है और भी चीज़ें होती है, यहाँ पर लिखा है कि ये आपको कट करता है सोसाइटी से, तो हमने इसका उल्टा लिखा, अपोजिट लिखा कि नहीं नहीं ये तो हमें
सोशली दुनिया से जुड़ता है, जैसे व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इसमें लिखा था फुल स्टॉक होती है। हमने लिखा कि ऐसे नहीं है, काम की बातें होती है, एक्सपर्ट्स लोगों से हम लोग बात कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को बता सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट है इंफॉर्मेशन इन रॉन्ग हैंड्स ईजीली। हम लोगों ने इस पॉइंट को एल्टर करके लिखा कि ऐसे नहीं होता है, बल्कि हमारी जो अच्छी मालूमात है, हमारा जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी हम लोग अपलोड कर सकते हैं और ज़रूरत के टाइम हम लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे किस तरह से काउंटर व्यू एग्जाम्स में लिखना है। 3 पैराग्राफ्स हैं, स्टार्ट है, मिडल है और एंड है, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। 100 वर्ड्स के आसपास लिखना है आपने और स्टार्ट में आप लोगों ने एक बढ़िया सा टाइटल देना है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर आप एक अच्छा काउंटर व्यू लिख सकते हैं। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जल्दी ही हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, 12th के टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।